वरहापीरं नटवरवपु। आवाज कट करो। करणयो करणिकारं बिभ्रद्वा सा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वीनुरदर सुधिया पूरयन गोप बृंदै बृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति बंसी विभूषित करा नवनी रदाभ पीतंबरा दरुन बिंब फलाधरोष्ठ पूर्णिंदु सुंदर मुखांदनेत्र कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जानि रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नां कपी प्रचोदयात् नमः भगवते वायुनंदनाय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री वेदव्यासाय नमः श्री शुकदेवाय नमः सर्वेभ्यो ब्रह्मनिभ्यो नमः सर्वेभ्यो संत प्रवरेभ्यो नमः बाल कृष्ण लाल की जय सर्व संतों की जय सत्य सनातन धर्म की। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा पकड़ लो बाह गिरिधारी नहीं तो डूब जाएगी पकड़ लो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी हमारा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा पड़ी मंझधार में नैया खवैया कोई नहीं अपना पड़ी खवैया आप बन जाओ कि नैया पार हो जाए खवैया हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा
तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ। तुम्हारे जमाने की तरफ देखो, मुझे कैसे निभाओगे। जमाने की तरफ देखो, मुझे कैसे निभाओगे। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बाल कृष्ण लाल धर्म प्रेमी बंधु, बातों बातों में सचमुच ही जिंदगी का कुछ हिस्सा बीत गया। जो हिस्सा बाकी बचा है, जब तक हमारी नींद खुलेगी तब तक वो भी बीत चुका होगा और हम अपने लक्ष्य से कहीं दूर रह जाएंगे। राजा परीक्षित गंगा की पवित्र वेदी पर बैठे हुए अपने सदगुरु मुनि सुखदेव जी महाराज से भगवान की पवित्र गाथाएं सुनते, उन्हें कहते, प्रभु आप हमें ऐसी लीलाएं सुनाओ, असेंगी नैया कथा सुनाओ, जेदे कन्ने जिड़ा साड़े मने च शोक मोह लालच अहंकार है, ये थोड़ा दूर हो जा। आज सुखी हुई है, परमात्मा दे सच्चे पुजारी बनी जाचे। मुनि सुखदेव जी कहते, हे राजन, भगवान की एक एक लीला जीव के दुखों को तो हर ही लेती। बंदा इन्ना चिर दुखी है जिन्ना चिर उदी सोच दुखी है। जिले उदी सोच के बदली जा, कोई इस गल्ले लई दुखी हुए कि दर्जी ने कपड़ा सीए नहीं दिता मिगी, दर्जी पर रो पा, घरेले उपर पा, तुसें टाइम नहीं दिते कपड़े। भाई सियाने कोला जी इं गै पलेटी लैते तां के होए, जे नहीं सनोई पैंट इन्ना महंगा कपड़ा उहदे कोला खदला लैगा पलेटी लिया, टाइम तो लाइए गुजारा नहीं हो जाता। इसे लई कोई रूह पा तुसें टले नहीं धोते तो दुखी हुए। कदों टले धोइए गए सुख अणधोते गए खरा। कोई श्री सोच बनाने की गल है कि अस सुखी हाँ, परमात्मा दी जेल अस गल्लां सुनने हैं उसले जेड़े साढ़े दुख न दुख छुटी जाते, अस भलियां सुखी हो जाने। उन्हें दुखें की छड़ाने लई संत महात्मा लोग आंदे, वानियां ज्ञान दियां गल्लां सुनांदे, जिहदे कन्ने कुसे दा मन जिहड़ा ओह शांत हो जांदा। राजा परीक्षित कहते, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा करी है तुसें, मिगी अच्छे अच्छे ज्ञान सुनाए,
भगवान दे वराह अवतार दी कथा सुनाई। परमात्मा दा दूआ अवतार केड़ा मिगी एदी कथा सुनाओ। बोल श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बाल कृष्ण लाल की मुनि सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन भगवान के दूसरे अवतार कपिल मुनि हुए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल मुनि भगवान के दूसरे अवतार थे। एक समय की बात है कि कर्दम ऋषि तपस्या करने बैठे, उनकी तपस्या से खुश होकर जेड़ी मुनि दी तपस्या ही ओदे कोला खुश हुई है। परमात्मा उन्हें वरदान देने ले गए ते भगवान ने वरदान दिता के करदम मेरे आख्या लगी है तू व्याह करी ले, मैं तेरे घर पुत्र बनिए जमना है। जिले लाल चपिया कि मेरे घर भगवान ने आना। करदम ऋषि मनी जाते महाराज खरा, पर मेरा व्याह क्या होगा। भगवान आखन लगे तू चिंता नहीं करनी, करने कराने वाला मैं आपू सब कुछ, तुगी कुदै जानी बनी है नहीं जाना ते कुदै रबारी नहीं करवानी, अपने आप कुड़ी दे मां प्यो ते कुड़ी तेरे को लाई जाग। करदम ऋषि बैठे रहे। कोई राजा हा, राजे दा नाम हा स्वयंभव मनु। स्वयंभव मनु ने लिखिया कि मेरी कुड़ी जवान हुई है, अपनी रानी कन्ने बेहिया विचार करे रहा कि कुड़ी व्याई देनी, साढ़े मुकाबले दा कोई राजा राणा ते है नहीं, उन कुसी व्याई देचे कुत्थे छोड़चे। जिसले इस गल्ले दा विचार करे रहे कि ये कन्या कुसी व्याई देचे, करैली ने आख्या कल सवेला चलने हैं, जेड़ा पहलो पहल साढ़े मूह लगे उसे ही कुड़ी व्याई देंगे। बड़े मजे कन्ने राजा रानी ते कुड़ी चली, ते मूह कौन लगा उहे बुढ़ा बाबा जिसी भगवान ने वरदान दिते दा। साड़ी अपनी मर्जी कन्ने इयां कदें कदें गै किश हुंदा, मता किश भगवान दी मर्जी कन्ने गै हुंदा। जिसले बुढ़े बावे कोल आए उसी आख्या मुनि जी साड़ी ये कुड़ी जवान है ते अस तुंदे कन्ने ब्याहना चाहन्ने। मुनि ने कुड़ी दिखी 16-18 साल दी, आखनगे राजा तेरा दिमाग ते नहीं खराब होएगा, मैं हजारें सालें दा बुढ़ा
तेरी ये छोटी बच्ची ये राजकुमारी ते में जंगलें चराने वाला फकीर मेरे कन्ने दा मेल नहीं उंगा मैं ब्याह करना है। राजे ने आख्या मरा एक कुड़ी मैं तुसें सौंपी उड़ी तुस इसी जिथे मर्जी छोड़ो जिले ब्याई दे आए। महात्मा जी अपने दिन कट्टन ले पे पर खुशी दे विच कि मेरा ब्याह होया महात्मा की समाधि लगी है। जिया समाधि लगी उमरां बीती वो जड़ी कुड़ी लभदी ही वह बुढ़ी हुई है। एक सौ साल बावे की समाधि नहीं खुली। जिसलै इन्नी देर समाधि नहीं खुली उंदी इस कड़ी अवस्था हालत की दिखिए कुड़ी ने भी ना कुछ खाना ना लाना लाना के हाजड़े लगे दे कपड़े ओदे फटिए और कुत्थों लैने। जिस समय काफी समय बीत गया सौ साल बाद बावे की समाधि खुली। बाबा जनिया पहले हाँ नहीं गया हूं हा ना वो बुढ़ा हा ते ना वो जवान हा। इं भी तुस कई बावे कन्ने मिलो बावे की पुछो किन्नी उम्र हुई बाबा दा 80 साल पर अजें बाल ओदे काले होंदे दंद शैल होंदे। इन्नी उम्र भोगने दे बाद भी सही नहीं होंदे किन्नी उम्र भोगी की पई होई अति लोक ने। जिसलै मुनि दी समाधि खुली उन्हें सामने देखा एक बुढ़ी बैठी। बुढ़ी ने उठिए पैर बंदे पूछन लगी देवी तू कौन है मैं तुकी पहले कदे नहीं देखिया। वो बुढ़ी आखन लगी महाराज तुसें ही चेता नहीं रेदा मैं तुंदी घरेली हूं। जिले चेता आया कि व्याह ते मैं पक कीता हा पर हून मिगी याद गया नहीं रहा। उन्हें बड़ा दुख होया उस दुखे दे विच आखदे देवी तेरे कन्ने बड़ा जुलम कीता मैं तुगी जिंदगी दा सुख नहीं दे सकिया। जे कदे तू आखें तेरी मर्जी हुए ते मेरे कोला वरदान मंगी ले। ओ कुड़ी आखन लगी बुढ़ी ओदा नां हां देवहूति। उसने आख्या जे तुस मिगी वरदान देना चाहते हो ते बड़े अच्छे तरीके कन्ने मैं मंगी लैंदी ही पर हुण मैं बुढ़ी होई दी आं मंगा भी के कदे थोड़ा चिर पहले जवानी दे बारे तुस मिगी आखदे हो मंगने लई मैं तुंदे कोला पुत्तर मंगी लैंदा हुण मिगी कुछ नहीं चाहिदा मैं मरी जां ते मेरा संस्कार करी उड़ियो। मुनि ने सही कीता इहदा मन पुत्रे च फसे दा उसी आखन लगे देवी जा तू स्नान कर ये कन्ने गै तला है। जिसलै स्नान करने लई आखिया जियां वो पानिया दी तलाई च नहाती पानी अपने उपर सुटिया पानी सुट दे गया वो बड़ी शैल जवान बनी।
बरतियै बुढ़ापे की जवानी बनी, पर उनो जवान बनी दी ला के बुढ़ापे च ते नंगी भी रही लैंदी। इयां पत्तरें कन्ने पड़दा करना, अज उसी शर्म आउन लगी कि मैं केला। जिले छड़ी तला चा बाहर निकली, देखिया कंडे बड़िया कुड़ियां खड़ोती। उन्हें कुड़ियां कपड़े ले दे, पूछन लगी कुड़ियो तुस कौन हो जड़ियां कपड़े ले आईयां। वो कुड़ियां आखन लगियां, देवी वयम कर्म करिस्तुभ्यम शाधिना करवाम किम, अस सारियां तेरियां गोलियां तेरी तपस्या दे प्रभाव को ला खुश होइए। भगवान ने असें गी तेरी गोली बनाइए भेजिया। कोई भी तपस्या करी दिखे सच्चे गै ओहदे ऐवें मुक्तो मुक्त नौकर बनी जांदे। जिहड़े पैसे लिए नौकर बनने की तैयार नहीं होंदे, भगवान मुक्तो मुक्त नौकर भेजदा। एक दो चार नहीं, हजारां भेजदा। तां उहने उसी कपड़े लवाए, कंघी पट्टी कीती। जिले पौड़ियां चढ़िए तलाब पर उपर गई, दिखिया तला दे कंडे एक विमान खड़ोते दा, एक जहाज खड़ोते दा। उसी रस्ता दसते दसते जहाजे च बाड़ी उड़े। जहाजे च सारियां खाने पीने लाने दियां भोगे दियां समग्रियां पई दियां। बड़ी खुश हुई दिखियै, पर उसी एक दुख होया जेल्लै उन्हें अपना बुढ़ा पति दिखिया। घरैला उऐ लिया बुढ़ा झूठ, जेल्लै वह दिखिया उसी बड़ा दुख होया। आखन लगी, महाराज तुसें मेरे कन्ने के बैर बदला हा, मैं मसा मसा उकड़ी जवानी जड़ी है ओदी अग साली, ते तुसें मिगी परतियै जवान करी उड़िया। पहले बारी तो अग सिलिए ही की पे खाने लाने कख ना, पर हून मैं इस जवानी की कुत्थे छोड़ा, की पे भोग सामने खाने लाने लिए पदार्थ शैल। साढ़े शास्त्रियों च कई वर्णन आंदे, वक्रे वक्रे धर्म दसते। सुहागनी का धर्म वक्रा, कन्या का धर्म वक्रा, जिहदा पति प्रवास गेदा है उहदा धर्म वक्रा, विधवा का धर्म वक्रा। वह धर्म वक्रे वक्रे की बनाए दे छड़े इस मने की तसली देने लई। ये जिहड़ा मन है, मन कुदे हत्थे हेठां नहीं निकली जा। जियां विधवा गी चिट्टे कपड़े लाने, उसगी कैं दे भांडे च रुट्टी नहीं खानी, आर श्रृंगार नहीं करना, ताकि उहदा मन जिहड़ा है वह दबोएदा रहे, मन उहदा उभरी नहीं जा। हर कुसे दे वक्रे वक्रे धर्म इत्थे रखे दे, पर ओ धर्म सारे एक पासे पजांदे। धर्म जेड़े ना पजांदे इक्के पासे, कि अपने उस कड़े खाने विच जिउंदे होई परमात्मा दे दर चली जाओ। बोल श्री राम, जय राम, जय जय राम, राम
राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्णलाल जिसले जज पर उस विमान दे पर बैठी अपने पति की आखन लगी, बुड्ढे की महाराज मैं तुंदी 100 साल सेवा कीती, सेवा कदू लत्तें दबा दी ही उस बुड्ढे दी, देवता दे दिन गए कट्टे दी ही ना, अस भगवान उपर गुस्सा करने हैं, तू के दिता असें, जे कुदै शिव जी दे मंदर 4 दिन जल ढाली उच्चे नहीं साड़ी मुराद पूरी हुए ते गालियां दिने हैं, तू के दिता। पर भाई जिहड़ा तुसें पानी डोलिया उहदे कन्ने ते उसी त्रैकड़ा लगदा होना, जिहड़ा गंगा दी धार सिरे पर पई है भी ठंडा नहीं होया ते तुंदे लोटे कन्ने कदू ठंडा होया। उसी अस की खिलाई सकने आ की देई सकने आ, पर चलो अपने मनै दी तसल्ली लई खरा, वो जिहड़ी 100 साल रही बुढ़े के दे आई ही। पर यह ठीक है, बुढ़े के कारण उस जंगले चो रही उन्हें कष्ट से आ। बुढ़े की आखन लगी कि तू बड़ी माड़ी कीती, यान ते ऐसा कर कि तू मिगी परतियै बुढ़ी बनाई उड़ ते यां तू जवान होई जा, दोए एक जने उच्चे ते फिर नहीं भी आंदा। इयां निक्का बड्डा नहीं निभदा, बराबर होन फिर बड़े शैल नहीं भी आंदे। टांगे दे 2 पहिये होंदे ना, एक पहिया लौका होवे ते दूआ पहिया बड्डा होवे, टांगा थोड़े खचोंदा, इयां भौंदा रहिंदा। बराबर होन निक्के होन तां भी रिड़ी जांदा, जे बड़े होन तां भी रिड़ी जांदा। ओ आख्या दी भी बराबर करी ओड़। उस ले करदम ऋषि जिहड़े न अपनी काया पलट करिए, बड़े शैल सोने जवान बनी, विमान दे विच रौंदे रौंदे दुनिया दे भोग भोगन लगे। इन्हें भोगें कन्ने कुसै दा राज सबर ते हुंदा नहीं, नक नक रजिए खन्ने आ त्रकाले, बड़े वैर परतिए भुख लगी दी। कदें भोगें कन्ने कुसै दा राज नहीं होया। जिस वेले विचार करदे भोगें दे विच जीवन पई आ, मता चिर भोग भोगे, उंदे घर 9 कुड़ियां होईयां, ब्याह के सोचिया कीता हा कि साडे घर भगवान ने जमना, साडे परमात्मा ने जन्म लेना, पर परमात्मा ते आया नहीं। आईयां 9 कुड़ियां, उन्हों बड़े दुखी हुए दे बेचारे। एक दिन उसने सोचा छोड़ो इसी घर कराटे, इस किश्ती दे जंजाले च सुख नहीं है। जिले सोचा इसी छोड़ो, कुदै परमात्मा दी शरणी चलो।
हुण परमात्मा ने जाना चाहता पर जान नहीं दिंदा, आदे बाबा दे कंबली छोड़दा पर कंबली बाबे नहीं छोड़दी। जिसले कर छोड़िए चोरी नसन लगा, घरेली ने उसी पकड़ी लिया, आखन लगी तू जा रहा कुत्थे। उसने आख्या मैं भगवान का भजन करन चली हूं। माता देवहूति कहती स्वामी जी आप भगवान का भजन करने नहीं जा सकते, की पे तू गलत है, तू धर्म शास्त्र नहीं पढ़ेगा। कई सज्जने दे मन चाहिए अंदर छोड़ो घर कराटे गई, चलो राम राम आखो, गल चंगी है राम राम आखना, सत्संग सतवा सुनना, पर ओ की चंगी है जे तुंदे करने कन्ने चार भरा दुखी पौन, कोई तुंदा साथी दुखी पवे, तुंदे राम नाम जपने पर अगर कोई बच्चा दुखी है, सच्चे गै नहीं जपना चाहिए। मैं ते इत्थों तक आखना कि जे तुंदे राम नाम जोरी है आखने कन्ने दुए की नींदर टुटदी है ना, ते नहीं जोरी है आखो, जे आखने कन्ने घर का कोई जीव दुखी है ते नहीं आखो, वो अंदरों अंदर ही आखी लिया घरे आले ये रूप आंगना भी जोरिए नहीं आखना, अंदरों अंदर ही आखी लिया केड़ी कोई पुछ पड़ताल है उसकी। उदे ना दे विच ठाक नहीं है, पर उदे ना दे विच कुसे दुए सज्जने की दुख बनी जा वो पाप लगता। बोल श्री राम जय राम जय जय राम, बोल श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बाल कृष्ण लाल की उसी करैली देवहूति आखन लगी कि जड़ियां कुड़ियां तेरे घर हो इन्हें कुड़ियों की थां ठिकाने व्याईए, इंदे बराबर योग्य पति तुप्पीए, ते फिर मेरे कोई पुत्र होई जा मिगी पुत्रे दे सारे छोड़िए, तेरी मर्जी है तू घर रहो मर्जी है जंगल च चली जा। जिसले ये गल आखी सच कुसे की आखें दुख हुंदा, सच सुनना तां कुछ औखा लगदा, जिस वेले सुनिया कि मिगी आख्या दी है कि जिन्ना चिर कुड़ियां नहीं विया इन्ना चिर तू जा ही नहीं सकदा, उसी बड़ा दुख होया, पर उन्ने उसे वेले माया दे कन्ने नौ ऋषि पैदा किए, एक एक कुड़ी देई उड़ी उन्हें नौवें कुड़ियां ते व्याई उड़ियां। जिसलै कुड़ियां भी बोई गई ओदे मगरा उन पुत्र दी आशा विच ही याद आई है कि साड़ा पुत्र होना, होना कदूं है ये पता नहीं। समय आया भगवान की कृपा हुई, माता देवहूति गर्भवती हो गए, नौ कुड़ियां व्याने दे बाद
ओदे कर पुत्र होया। जिरे पुत्र नहीं हुंदा, सियाने पंडित उसी दस दे कि जे तेरे घर कुड़ी है ते तू कन्या दान कर, तेरे घर पुत्र हो जा। दान दा प्रताप भी कुछ हुंदा। उहां अजकल जे कोई सोचे भी आऊं कन्या दान करना ते लैंदा कौन है? 100 बारी सोचो मैं कुड़ी देनी है, इत्थे गाकी है कोई नहीं। जिहड़ा गाकी लभना है उन्हें इन्ना किश मंगना है, साड़ी कुड़ी दी उसी कदर गै नहीं होनी। दाने वाला जमाना गुआची है, मैं गल करा रहा अज्जे दी निंदिया नहीं, जमाने दी निंदिया करी है। मैं कुत्थे रोना, मैं भी ते दुनिया विच गै रोना ना। मैं आख्या रहा बोल श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बाल कृष्ण लाल की। मैं आपसे वर्णन कर रहा था, माता देवहूति गर्भवती हो जाती, समय आने पर उनके घर भगवान स्वरूप कपिल मुनि का अवतार हुआ। बोलो कपिल भगवान की। जिसले उन्दे कपिल मुनि जम्मे, कपिल मुनि साक्षात परमात्मा दा अवतार है। पिता ने पुत्र की मत्था टेकिया ते कर छोड़िया गया। जेड़ा पुत्र अपने कर जम्मिया उससे की मत्था टेकिया, ओदी प्रदक्षिणा लई ते कर चली गई। अपने जंगल च गया उठी जप तप करन लई थी। उन्हों जप कर दे ओदी ती उम्र चंगी बीतन लगी ते बुढ़ी बड़ी दुखी हुई। जिहड़ी पुत्रे दी मां ही कि निक्का जिहा पुत्र ते बब घरा गया उठी, जो भी कुछ होया ना साढ़े कर्मे का फल मिले। जने जने कर्म किते दे नी नी फल मिली जाने। असी मन्या उसले किश तंगी हुए पर नहीं, शुक्र है जे कर्मे का फल इत्थे गै मिली जाता। जिहड़ी माता देवहूति है उन जिहड़ा ओदे पुत्र जम्मिया कोई दुध पीने वाला पुत्र ना है, बड़ा खूबसूरत जवान बनी है जमदे गए। पुत्र ने मांग आख्या, मां
दुखी की तेरा के गुआची आ, तू के आंदे दा हक ने जेड़ा इत्थे गुआई उड़िया, किड़ी जायदाद ही जेड़ी कोई चोर लई है, जेकर कोई लई है किश ते इत्थों दी चीज इत्थे कोई लई है, गल मुक्की कोई साढ़े घरा चीज चोरी चुकी है लई जा। परसों साढ़े एक सज्जन मिगी लामा दे आए हे, शास्त्री में किंब राय दे हे ते किंब त्रोड़िया लई है जा, बड़े अच्छे पढ़े लिखे दे हे। उन्हें आख्या महाराज जे किंब लई है ते के कीता उन्हें, ऐ खादे उन्हें टब्बरा जी है। नहीं मैं अपने हथे देने पे जरूरी है, तू अपने हथे त्रोड़ी है कंडे जवाने हैं, शुक्र है कोई अपने हथे ले। गल तो ममूली गऊ बड़ी वड्डी हो जाती, साढ़े घर कोई गौ ले जा तू अपने घर जी के करोगा भाई, भला घा पाग ते दुध पी घुर के, ये भी पहले अस पीए दे हुण ओह पी। गल ममूली है पर दुखी होई जाने जे कोई लई जा। संते दे नजारे वखरे हुंदे, एक बिठल दास नां दा संत हा, ओह कुदै सुत्ते दा हा ते उहदे घर चोर उठिया है, जिसलै चोर आए उन चोरें उस कला चोर हा उन्हें पंड बद्धी, भांडे टींडे कट्ठे कीते ते पंड ही भारी ते चोर हा औला, उन्हें बन्नी ते लई उहदे कोला चुकोया नहीं, ते बिठल दास ने देखिया भी हुण बेचारा दुखी पेदा ते दुखी बंदे दी मदद कराना फर्ज बनता, तो उठे उन्हें आख्या लै भाई मैं चुकाना, उन्हें उसी चुकाई भी पंड ते आखला मेरा टरौंदा नहीं, उन्हें मी चुका सिरा पर, उन्हें ओदी पंड आपू चुकी ते उन्हें आख्या चल लगे अगे उहदे घर जी छोड़िए। घर पुजा ते चोरे ज्ञान होई गया कि संत पैरें पई है, महाराज मी चेला पाई लो, तुस मिगी चेला बनाओ। उन्हें आख्या बच्चू तू ते अगे चेला है, गुरु का काम हुंदा चेले की रस्ता दसना, ते भाई तेरे कोला नहीं चुकोया दी मैं चुकिए घर छोड़ी आ, तू ते अगे गै चेला। पर नहीं ओदी चोरी छुड़की गई। संतें दी दुनिया कोई होर ज नहीं है, जिहड़े अस लोक आ दुनियादार साड़ी दुनिया कोई होर ज नहीं है। अस सोचने आ जिहड़ी चीज इत्थे आई है ना मेरे लागे वह मेरी है, वो आखते नहीं जिहड़ी मेरे कोल आई है कुसे दी है, कोई सी ले जा ते चलो खलासी मुक्की जा। उंगा ये समझना बड़ा औखा हुंदा, जेले ये समझी लैचे फिर ते गीता दे पंडित बनी अस। गीता च आखते भाई तू के चीज आंदी ही जिहड़ी गवाई उड़ी है इत्थे, रोए दे सारे मेरे पठे बड़िए ले जी को, महाराज जी उन्हें मेरी कणक जवाड़ी उड़ी, तू कन्या दी ही कणक ठीक है इत्थे राई ही, तेरा काम है उदी देखभाल करना, जी कोई दूआ जवाड़ी गया, गया ते बदले च तू भी जवाड़ी उड़ी ते कणक दो बारी उजड़ी। साड़ा जंदा भी की है इत्थे, मिगी मते लोग सलाह दिंदे शास्त्री तू अपनी तेरी इज्जत बड़ी ज्यादा होई गेदी है ते तू नई गल नहीं करनी चाहिए जिहदे कन्ने तेरी इज्जत खराब होई जा, भाई नई गल क नहीं आखदे तू नंगे पैरें टुरदे रहना है,
तुगी नंगे पैरे नहीं जाना चाहिए, इज्जत हौली होंगी। तुगी फलानी गल नहीं करनी, टकाने नहीं करनी। वो कदें पढ़ते पाइए भी पढ़ते पे, कुसै चीजे की खट्टी उड़चे किन्ना क चिर खटगे। अंबला गुन्नी है ते भावें किन्ना भी घोटिए पूना दे, जब ना सने पूने उपर करी उड़ना अंबले ना, जेल्लै अंबला फुल्लिया करचे पाप ते पाचे पढ़ते वो कदों पे। आंदे दा इत्थे कख नहीं, असें ना गै कख लई जाना। इं चार दिन आए हे, मेला मसादा दिखिया, ओदे बाद घरे टुरी जाना। इन्ने चक्करें खरे की पई दुनिया, इकड़ा कम रही आ इकड़ा कम रही आ। अपनी टोर बनाने लई आऊं दिखना, शैल कोला शैल कोठा बना दे। जेड़ा भी बना दा वो कसर नहीं रही जा, ग्रां च शैल बनी जा शहर च शैल बनी जा, तुंदे कोठे ही मोए जाने। अज नहीं ढोंदा व्यापू चौंद नहीं ढोंदा, जेड़ा बड़े चाए कन्ने बना दे उन्हें ढही पाना। चीज नहीं खरीदो जेड़ी चीज मैली नहीं हो। तुसें बाबे नानक का नाम सुने दा होना, जिहड़ा सिखें दा गुरु हा। नानकिया की बब्बे ने 40 रुपए दिते, उन्हें कहा बच्चू जा कोई खरा जिहा सौदा ले आ। ते नानक खरा सौदा लैन गया, साधु है भुखे उन्हें रुटी खिलाई है। उन्हें हट्टी पाई दी ही, हट्टी साधु ने रुटी कन्नै थोड़ी